प्यारे अभ्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टीचिंग अप पे। तो आज की इस वीडियो में आपकी PTT जो आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बात करेंगे और आपको इस वीडियो में पूरे 115 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें से 30% आपके लगभग क्वेश्चन आने के चांस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो बनी ठनी चित्र शैली का संबंध कौन सी चित्र शैली से है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्र शैली से आपका बनी ठनी का संबंध है। सेकंड क्वेश्चन आपका भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का समानता क्षेत्र कौन सा है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से एक तो आपका बूंदी और एक सिखावटी है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली की विश्व प्रसिद्धि बनी ठनी के लिए चित्रकार का नाम क्या है, तो इसका आपका मूर ध्वज निहालचंद इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये किशनगढ़ शैली से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। राजस्थान की चित्रकला का आरंभ किसके काल में मनाया जाता है, महाराणा कुंभा के काल में मनाया जाता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अनंत कुमार स्वामी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रम ग्रंथ श्रावक प्रतिचुनम सूत्र चुन्नी किस शैली से संबंधित है, तो इसका आपका मेवाड़ शैली बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए किवाड़ चित्रम किस पर किए जाते हैं, किवाड़ चित्र किस पर किए जाते हैं, तो आप किवाड़ चित्र लकड़ी पर किए जाते हैं, इसके ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरिक डिक्सन ने किस शैली को भारतीय मोनालिसा कहा है, तो किशनगढ़ शैली में आपको बनी ठनी के चित्र कोई कहा गया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर किशनगढ़ शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान कृष्ण की लीलाओं का किस शैली से संबंधित है, नाथद्वारा शैली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नारी सौंदर्य का चित्रण आपका कौन सी शैली में किया जाए, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र में ही किया गया, ये भी आपका बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की किस चित्र शैली का अपने चित्रों के नीचे नाम अतिथि अंकित करते थे, तो बीकानेर चित्र शैली वाले अंकित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरी नृत्य किस जाति से महिलाओं से संबंधित है, तो गुज्जर जाति चरी नृत्य करते हैं, तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। किस चित्रकार को नीड का चितेरा कहा जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीड का चितेरा लगभग सौभाग्यलाल गहलोत को कहा जाता है, सौभाग्यलाल गहलोत को आपका नीड का चितेरा कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका सौभाग्यलाल गहलोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान में ओपन आर्ट गैलरी विकसित किसने दी, ओपन आर्ट गैलरी आपके जो है शेखावाटी क्षेत्र में उपस्थित है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उदयपुर के किस शासन के काल में राजमहल चित्रों की आवरी नामक विद्यालय की स्थापना की गई, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयपुर चित्र शैली में स्वर्णकाल किसका कहा जाता है, प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक कला से है, लोक कला कागज पर निर्मित चित्र को कहा जाता है, तो इसको पान्ने कहा जाता है। गूदना आपका जो आपके टैटू बनाए जाते हैं, किवाड़ जो लकड़ी पर किए जाते हैं, पिछवाइयाँ जो आपके पीछे पर्दे पर किए जाते हैं भगवान कृष्ण जी की मूर्तियों के पीछे। अली बख्शी ख्याल का स्वार्थिक प्रचलन है कौन से, अली बख्शी ख्याल आपके अलवर क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल आपकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन फट चित्रम शाहपुरा भीलवाड़ा कौन सा परिवार इसमें सिद्ध हस्त है, तो इसमें जोशी परिवार है आपका, जो आपका भीलवाड़ा में फट चित्रण किया था उससे संबंधित जोशी परिवार आपका है। और हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार जिन भद्रसूरी किस दुर्ग में संग्रहित है, जिन भद्रसूरी किस से संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुठारी नदी पर मेजा बांध कौन से जिले में है, तो आपका कुठारी जो नदी के ऊपर मेजा बांध बना है, तो भीलवाड़ा के अंदर ये बना हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयपुर अजमेर ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजना करवाई जाती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बिसलपुर परियोजना हो जाएगा, जो कि आपके जयपुर अजमेर और ब्यावर और अन्य भी कई कस्बों को ये पानी उपलब्ध करवाती है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान व भारत की पूछे तो भारत की तो आपकी चिल्का है, जो आप चिल्का झील आपकी जो ये उड़ीसा में है, और राजस्थान के पीछे सांभर, तो उसमें ऑप्शन कोई और नहीं दिया तो उसको सांभर ही राइट ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंबल नदी के अंतर्गत बने बांध कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। तो इसमें चार बांध बने चंबल परियोजना में, कोटा बिराज, राणा प्रताप सागर, और जो आपका गांधी सागर बांध है ना वो आपका बना हुआ है एमपी मध्य प्रदेश में बना हुआ है, तो इसका वो हो जाएगा और इसका वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांभर झील में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। मेंथा आपकी गिरती है, खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, पर लेकिन कांतली चूरू में जाकर विलुप्त तो हो जाती है, तो इसका राइट आंसर कांतली होगा। त्रिवेणी संगम स्थल राजस्थान में किस जिले में है, तो इसका डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट प्रवेश करने वाली नदी आपकी है माही नदी है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में चंबल नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चित्तौड़ में भी जाती है, धौलपुर में भी जाती है, लास्ट में धौलपुर में रहती है और कोटा में भी जाती है, तो इसका टोंक बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चंबल अपना जल ले जाती है इलाहाबाद में, कानपुर में, गंगा में से, इटावा जिले में, यमुना में, तो इसका राइट आंसर आपका इटावा जिले में यमुना में ले जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका यही होगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है, बेड़च नदी आपकी कहाँ से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से आपकी लूणी निकलती है, जाना पहाड़, गोगुंदा, तो आपकी बेड़च निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लूणी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है आपका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारी नदी कहाँ से निकलती है, खारी नदी आपकी बिजरावला गांव राजसमंद से निकलती है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक और खारी नदी है वो निकलती है जालौर से, ये भी आप याद रखना, जिस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से किस नदी का स्थानीय नाम मसूरदी नदी है, स्थानीय नाम मसूरदी नदी है, तो कांकली नदी है उसका नाम है मसूरदी नदी। चंबल नदी में किस जिले में नहीं बहती है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पीछे, पर इसमें ऑप्शन थोड़ी चेंज है, धौलपुर में जाके खत्म होती है, कोटा में जाती है, चित्तौड़ में जाती है, लेकिन भरतपुर में नहीं जाती है, तो उसका भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियों का युग्म कौन सा है, मतलब दक्षिण से, देखिए राजस्थान का मैप कुछ ऐसा है और ये दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। चंबल ऐसे निकल जाती है, माही आपकी ऐसे गुजर जाती है, बनास आपकी ऐसे चलती है, लूणी ऐसे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर एक तो चंबल और माही जिस युगम में हुआ वो होगा इसका राइट आंसर। तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं, चंबल और माही, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माही नदी में किन राज्यों में बहती है, माही नदी आपके देखिए ये हो गया राजस्थान, सबसे पहले एमपी से निकलती, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में, तो एमपी, राजस्थान और गुजरात वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखते हैं, तो ये देखिए ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी किसकी सहायक नदी है, माही नदी आपकी है सोम हरण चाप मुरैन की सहायक नदी है। बेड़च बनास व मुरैन का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में कर्क रेखा किस पार करने वाली कौन सी नदी है, तो माही नदी को कर्क रेखा दो बार चीरती हुई जाती है। बांकली बांध जालौर के किस जिले में है, तो इसका सुंकड़ी नदी पर बना हुआ है आपका ये जालौर में बांकली बांध। आगे हिंदी के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और इसमें आपके कल्चर के क्वेश्चन भी आगे पिछले वाले क्वेश्चन में 40 में करवाए हैं और साथ में हमने आपके जियोग्राफी के भी करवाए हैं, कल्चर और जियोग्राफी के हो चुके हैं आपके। अब हिंदी के आएंगे, उसके बाद आपके रीजनिंग के आएंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हो अनुस्वार कब लगाया जाता है, अनुस्वार कब लगाया जाता है, जब सांस अपने मुख से और नासिका से निकलती है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गूंज से उत्पन्न होने वाले जिन वर्णों का उच्चारण समय गूंज उत्पन्न होती है, तो उसमें घोष स्वर होते हैं, गूंज उत्पन्न होती है जिनमें, जिन वर्णों का उच्चारण के समय मुख से वायु अल्प मात्रा में, तो अल्प प्राण हो जाएंगे, अल्प मात्रा में निकलती है तो वायु अल्प प्राण, तो सही युग्म सम्मिलित करें।
अघोष स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक शब्द दो वर्ण तथा सह ये बिल्कुल राइट है। घोष वर्ण स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग का अंतिम है, तीसरा यह लैव है ये बिल्कुल राइट है। और अलग प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यह लैव ये सही है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों ही सही है। माप प्राण के लिए कौन सा सही है, सभी स्वर पहला व तीसरा पांचवा वर्ग का पहला चौथा उष्म शेष है इनमें से कोई नहीं, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सही उच्चारण स्थान है कंठ से क ख ग ग ण ने, ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा च छ छ ई और ये तालु, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूर्धन्य है तैथ है लैश है पैफ है नहीं, इसका डे डे मूर्धन्य है ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। संयुक्त संयुक्त व्यंजन त्रय श्रय त्रय ग्य किस रचना क्रम से है, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट है, त्रय तय से जय ण से मिलकर बनता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सभी सत्य हैं, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सही उच्चारण स्थान नहीं है, सही उच्चारण स्थान नहीं है, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दंत, इसका सही उच्चारण स्थान नहीं है, बाकी सब में उच्चारण स्थान सही हो रहा है, दंत में भी हो रहा है सही, ये भी सी है ये भी सी है, कंठोष्ठ में नहीं हो रहा और ये बिल्कुल राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तीनों शय और है क्या होते हैं ये आपको बताया गया है, उष्म होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पीटीटी की दृष्टि से। हाथ का तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताइए आपका, हाथ को हस्त कहते हैं तत्सम में, किस विकल्प को तद्भव व तत्सम सही है, क्षेत्र खीर मतलब सही बताना है आपको, योगी रखी यस जस और प्रपट पलंग, तो यस जस इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, तो आगे चलते हैं। अंगुष्ठ को तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, तो उसका अंगूठा हुआ अंगुष्ठ को अंगूठा कहते हैं आपके तद्भव में। काट व काट शब्द का अर्थ क्या होगा, तो काट और काट को लकड़ी व काटना, काट को कहते हैं काटना और काट लकड़ी को कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कुल शब्द में समानार्थक व भिन्नात्मक शब्द को कौन सा है, कूल का कूल ये इसमें छोटी मात्रा लगी थी, इसमें बड़ी मात्रा, ये इसका समान भिन्नात्मक शब्द हो जाएगा। किस क्रमांक में श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद है, गज गज ये बिल्कुल गलत है आपका, अनल अनिल ये उल्टा कर दिया है, अग्नि का अनल होगा और अनिल का पावन होगा ये ऐसे उल्टा कर दिया है, नीड नीर नीड का घोंसला नीड पानी ये बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुद्ध श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द का चयन करें, तो खजाना कोश भी पहले ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपका होने वाला है, पास पास शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए, पास का तो होता है आपका बंधन, बंधन पास का होता है बंधन या फंदा और पास का होता है नजदीक, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बांस व वास में बताइए, वास को निवास कहते हैं और बांस एक पेड़ होता है पर उसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगता है फिर वो एक पेड़ की श्रेणी में जाता है, तो ये गंध और निवास हो जाएगा, ये नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट हिंदी का क्वेश्चन है, इसके बाद आप रीजन के क्वेश्चन आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मेघ और मेध युग्म का शब्द युग्म चुनिए, मेघ और मेघ का, तो इसका बादल और यज्ञ इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि आप आज गुरुवार है तो 363 दिन बाद कौन सा वार होगा, आज गुरुवार है तो 363 में आप 7 का भाग दें, 363 में आप 7 का भाग दें, 7 × 5 = 35 पीछे बचा 1, 7 + 7 पीछे बचा 6 वार आगे जाएंगे गुरुवार से तो वह वार आ जाएगा, गुरुवार से 7 वार आगे जाएंगे तो बुधवार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पर ये ऑप्शन में नहीं देगी तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि गणतंत्र दिवस 2016 को शुक्रवार था तो 2020 में क्या वार होगा, 16, 17, 18, 19 और 20 प्लस 1 + 2 + 1 + 2
तो आपको जोड़ना है 5, तो इसका बुधवार इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, शुक्रवार ने 5 जोड़ो बुधवार आ जाएगा। यदि किसी किसी पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, तो इसका भी आपका राइट आंसर कल हो जाएगा, इसका राइट आंसर थोड़ी सी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा राइट कर लेना। ये आपको अगले सीरीज का क्वेश्चन आ चुके 2, 4, 6, 15, 42, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो आप इस सीरीज में आप देख सकते हो पहले इसमें 1 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 9 जुड़ा है, फिर 27 जुड़ा है, तो अब 81 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 123 आपको 42 में 81 जोड़ेंगे तो 123 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका डी एफ आई से के एम पी बनता है तो बताइए, डैश से वाई ए डी बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आप ये भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, ये फिलिंग या पर ब्लैंक दिए हैं उसे उनको भरना है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि ताजमहल से राजस्थान का संबंध है तो पिरामिड मिस्र के पिरामिड होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके दो क्वेश्चन हैं रिपीट होने, 66 और 67 दो दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, चलो तो भी आपको करवाते हैं। ए सी ई जी से आई के एम ओ बनता है तो पी आर टी वी सी क्या बनेगा, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें आपके 9, ये 1 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है, ये 11 नंबर पर आता है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे इसमें ऐड आपने कितना किया, 8 ऐड किया है, पहले वाले में आपने 8 ऐड किया और 3 में 11 जोड़े, तो आपका इसमें भी आपका 7-8 हो रहा है, उसके बाद 5 में 13 जोड़े 8 ऐड हो रहा है, तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो आपका इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 से 81 बनता है तो 121 से क्या बनेगा, तो इसका आपका राइट आंसर आप देख सकते हो। जैसे कि 100 में 90 माइनस किए तो 81 आया, तो 121 में 19 माइनस करेंगे तो आपका राइट आंसर 102 आ जाएगा। असंगत को पहचाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, असंगत इसमें हो जाएगा आपका, ये आप देख सकते हो इसमें होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, इसमें आपका ए नंबर, ये सॉरी इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा, और इसमें आपका देख सकते हो 70 नंबर क्वेश्चन में इनका 7 योग बन रहा है, इसका 3 बन रहा है, इनका भी 7 योग बन रहा है और इनका भी 3 योग बन रहा है, तो ये ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या सही होगा। इनका भी 4 और 3 7 और ये 3 बन रहा है, इनका इनका पर ये ज़्यादा बन रहा है, तो इसका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। किसी कूट भाषा में, कूट भाषा वाले जो है ना, आपको थोड़ा सा इसके आंसर बता देता हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आएंगे। डॉक्टर को लिखा जाता है WLXGLI लिखा जाता है, तो नर्स को क्या लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉम को लिखा जाता है आपका 48, तो डक को क्या लिखेंगे, तो इसमें वर्णों को जोड़ा गया, देखिए वर्ण 20 नंबर पर आता है, ये 15 नंबर पर आता है आपका टी और एम आता है 13 नंबर, उनको जोड़ेंगे तो 48 बनेगा, तो डक को जोड़ेंगे तो आप देखिए डक 4, 9, 3 और 11 को जोड़ेंगे तो आपका इसका 70 आएगा, इसका 27 सॉरी इसका आएगा 27 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो इसको अगर हरी को जोड़ेंगे तो 70 आपका ऑप्शन आएगा। घड़ी में 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है 11 × मिनट / 2 − 60 × जितना टाइम दिया गया वो लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 75 डिग्री का कोण बनेगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपको 75 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे दोपहर 2 बजे का समय बताती है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखिए एक घड़ी की घंटे की सुई 8 बजे में और दोपहर 2 बजे मतलब एक घंटे में कितने 30 डिग्री तय करती है घंटे की सुई, और दोपहर 6 घंटे हो गए तो 6/18 = 180 डिग्री का कोण बनेगा आपका। सुबह 6 बजे शाम से 6 बजे के बीच घड़ी कितने बार सर रेखा को 180 डिग्री कोण 11 बार बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।